हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लावा का Z50। फ्रेंड, ये लावा का Z50 है जिसमें गूगल अकाउंट लॉक लग गया है, मतलब FRP लॉक लग गया है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं इसका FRP बाईपास करके दिखाऊंगा, मतलब गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, शिवम मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ इसे स्किप कर देंगे, सिम कार्ड नहीं लगा इस फ़ोन में। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे इस फ़ोन से। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर दिया है, या खुद ब खुद आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो आपको वेट करना है। थोड़ी देर के बाद इस तरह से आएगा, तो आपको यहाँ पर सेटअप न्यू पर टैप करना है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन पासवर्ड लॉक का आएगा, अगर आपको पता है तो डाल दें, नहीं तो उसे स्किप कर दें। अगर वो नहीं आता है तो अगला ऑप्शन डायरेक्ट गूगल अकाउंट आपका आ जाएगा। तो देख सकते दोस्तों, पासवर्ड नहीं मांगा, डायरेक्ट गूगल अकाउंट का आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है, यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पर लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है, और नेक्स्ट करने से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग बैक आ जाएंगे, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे। आगे अब यहाँ इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। ऊपर में इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, डबल टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पेंसिल वाले आइकॉन पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर टैप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लावा कस्टमर केयर जो है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद लावा कस्टमर केयर जो दिख रहा है, इस पर फिर से टैप करेंगे। अब यहाँ मैसेज का आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का मैसेज खुल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग अब टाइप करेंगे www.youtube.com। तो चलिए फटाफट हम लोग टाइप कर लेते हैं www.youtube.com। टाइप कर लिए हैं, अब इसे सेंड कर देंगे। अब इसी पर हम लोग टैप करेंगे, पर ये काम नहीं कर रहा। देखिए, काम किया, लेकिन आगे अगला ब्राउज़र का ऑप्शन जो आता है वो नहीं खुला, मतलब हमारा यूट्यूब नहीं खुला। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ हेल्प एंड फीडबैक दिख रहा है आपको, इस पर टैप कर देंगे, तो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब हम लोग को ऊपर सर्च दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे, और यहाँ पर टाइप करेंगे डिलीट। ठीक है, तो फटाफट डिलीट टाइप कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ डिलीट टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको दिखाएगा डिलीट डिसेबल एंड, इस पर हम लोग टाइप कर देंगे, तो आपके सामने में इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब हम लोग को थोड़ा सा नीचे आना है, और एक नंबर यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर नीचे क्रोम दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। ये क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर ऐसे आएगा, अब यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इसे ऑफ़ कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे या नो थैंक्स करेंगे, तो आपके सामने गूगल खुल चुका है। अब हम लोग यहाँ गूगल सर्च में टाइप करेंगे VN ROM। चलिए फटाफट हमने VN ROM टाइप कर लिए और इसे सर्च कर दिए। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में दिखा रहा होगा VN ROM का वेबसाइट, इस पर हम लोग को टाइप कर देना है। अब हम लोग के सामने में VN ROM का वेबसाइट खुल चुका है, तब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा सेटिंग, उसके सामने दिखेगा ओपन, उस पर टैप करना है। नहीं खुल रहा है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, टैप करिए, नहीं खुला। कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं खुल रहा है।
कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन स्मार्ट लॉक लिखा हुआ है, इसके सामने में लिखा है ओपन, इस पर हम लोग टैप करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक पिन सेट कर लेंगे, तो पिन पे टैप करेंगे, यस करेंगे, यहाँ पर एक नया पिन सेट कर लेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 सेट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, री इंटर योर पिन। चलिए फिर से हम लोग 1 2 3 4 टाइप करते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम लोग को यहाँ थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यस आई एम इन, तो चलिए इस पर हम लोग टैप कर देते हैं, टैप कर दिए, यहाँ गेट इट पे टैप कर दिए। अब हमारे फ़ोन में पासवर्ड लॉक सेट हो चुका है दोस्तों। तो अब हम लोग को क्या करना है, बैक आ जाना है, पूरा स्टार्ट मेनू में आ जाना है जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो धीरे धीरे बैक आ जाएंगे और बैक आ जाएंगे, और बैक आ जाएंगे, ठीक है, आ गए। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ इसे स्किप कर देंगे, वाईफाई नेटवर्क पहले से ही कनेक्ट है तो ये आगे बढ़ गया। अब यहाँ सेटअप न्यू पर टैप करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड मांगने लगा, पहले यहाँ नहीं मांग रहा था। अब हम लोग को यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है जो हम लोग सेट किए थे। चलिए 1 2 3 4 सेट किए तो डाल लेते हैं 1 2 3 4, और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, देखिए आगे बढ़ गया है। अब हम लोग को यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, अगला ऑप्शन गूगल अकाउंट का आएगा। देखिए यहाँ गूगल अकाउंट मांगने लगा, लेकिन पहले यहाँ पर स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, देख सकते हैं, पर अब यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग चलिए इस पर टैप कर देंगे और यहाँ भी हम लोग स्किप कर लेंगे। अब आगे बढ़ गया, या यहाँ पर अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, मोर पे टैप करके एक्सेप्ट कर दिए, यहाँ नो थैंक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने अब मोबाइल जो है हम लोगों का कम्प्लीट FRP बाईपास हो चुका है। तो फ्रेंड इसी तरह से इस फ़ोन का हम लोग FRP बाईपास करते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, गुड डे।